सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही ज्यादा चटपटा कुरकुरा सा नाश्ता, जिसके सामने आप समोसा कचौरी सब भूल जाएंगे। और इस नाश्ते को आप एक बार बनाकर महीने भर के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो चलिए आज की मजेदार रेसिपी शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए गैस पर मैंने पहले से ही पैन गरम होने को रख दिया था। जैसे ही हमारा पैन हल्का सा गरम हो जाएगा, हम इसमें ऐड करेंगे लगभग 2 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे लगभग 1 चम्मच के करीब जीरा। जैसे ही हमारा जीरा हल्का सा फूल जाए, हम इसमें ऐड करेंगे 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। हरी मिर्च ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स ऐड करने के बाद हम इन सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिला लेंगे। हमें इसे हल्का सा रोस्ट करना है। सो गाइस, वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। इस स्टेज पर हम इसमें ऐड करेंगे लगभग 2 कटोरी पानी। तो आप देख सकते हैं, इस तरह से मैंने इसमें 2 कटोरी पानी ऐड कर दिया है। अब हम इन सारे मसालों को एक बार अच्छे से मिला लेंगे। तो आप देख सकते हैं, इस तरह से मैंने इन सारे मसालों को एक बार अच्छे से मिला लिया है। तो आप देख सकते हैं, हमारे पानी में हल्के से बबल्स आने शुरू हो चुके हैं। इस स्टेज पर हम इसमें ऐड करेंगे लगभग 1 चम्मच के करीब कस्तूरी मेथी। कस्तूरी मेथी ऐड करने से इसमें फ्लेवर्स बहुत ही बढ़िया आता है। अगर आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे लगभग 1 चम्मच के करीब नमक। नमक आप आपके स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसके आलू, इसको मैंने ऊपर का छिलका निकाल कर कटर के हेल्प से इसे एकदम महीम महीम कद्दूकस करके लिया है, और 1 से 2 पानी से अच्छे से वॉश करके लिया है। अब हम ये इसमें डाल देंगे। तो आप देख सकते हैं, इस तरह से मैंने इसमें इसे डाल दिया है। अब हम इसे एकदम अच्छे से मिला लेंगे। तो आप देख सकते हैं, इस तरह से मैंने इसे एकदम अच्छे से मिला लिया है। इस स्टेज पर हम इसमें ऐड करेंगे लगभग 1 कटोरी सूजी। इस हिसाब से लेना है, अगर हमने पानी 2 कटोरी लिया है तो हमें सूजी 1 कटोरी ही यूज़ करनी है। तो यहाँ पर मैंने एकदम महीम महीम वाली सूजी का यूज़ किया है। अगर आपके पास ये वाली नहीं है तो आप मिक्सर से ग्राइंड करके भी ले सकते हैं। अब हम गैस की फ्लेम लो पर रखेंगे और थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करेंगे, और एक हाथ से इसे अच्छे से मिलाते जाएंगे ताकि इसके अंदर लंग्स ना बने। तो आप देख सकते हैं, इस तरह से मैंने इसमें सारे सूजी डाल दी है। अब हम इसे एकदम अच्छे से मिला लेंगे। तो आप देख सकते हैं, इस तरह से मैंने इसे एकदम अच्छे से मिला लिया है। तो अब हम इसे अच्छे से पका लेंगे, जब तक कि एकदम डो वाली कंसिस्टी में ना आ जाए। तो कुछ ही देर में आप देख सकते हैं, एकदम अच्छे से बनकर रेडी हो चुका है, और धीरे धीरे पैन को भी छोड़ने लगा है। इस स्टेज पर हम गैस को ऑफ करेंगे और इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं, इस तरह से मैंने इसे एक बाउल में निकाल लिया है। अब हम हाथों को ऑयल से एकदम अच्छे से ग्रीस करेंगे, और एकदम नींबू के साइज की इसमें से एक लूही लेंगे और इसे एकदम राउंड शेप में कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने इसे राउंड शेप में कर लिया है। अब हम हाथों की हेल्प से इस तरह से इसे प्रेस करेंगे। अब हम उंगलियों की हेल्प से इस तरह से हम इसके अंदर एक सर्कल बना लेंगे। तो आप देख सकते हैं, बिल्कुल इस तरह से हमें बाकी के भी बनाकर रेडी करने हैं। तो आप देख सकते हैं, इस तरह से मैंने सारे मेंदू वड़े बनाकर रेडी कर लिए हैं। अब साइड में मैंने पहले से ही ऑयल गर्म होने को रख दिया था, और लगभग हमारा ऑयल भी एकदम अच्छे से गर्म हो चुका है। इस स्टेज पर हम एक एक करके सारे मेंदू वड़े उसमें डाल देंगे। तो आप देख सकते हैं, इस तरह से एक एक करके मैंने इसमें सारे वड़े डाल दिए हैं। अब हम इसे मीडियम हाई फ्लेम पर अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं, ये एकदम अच्छे से एक साइड से गोल्डन हो चुके हैं। अब हम इसे अलटते पलटते दोनों साइड से
गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये दोनों साइड से एकदम अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं और कितने टेम्प्टिंग लग रहे हैं आप देख सकते हैं। इस स्टेज पर हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो इसी तरह से मैंने इसे एक प्लेट में निकाल लिया है। तो आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा क्रिस्पी बनकर रेडी हो चुके हैं। मैं आपको इसे तोड़कर दिखाती हूँ ऊपर से कितने क्रिस्पी और अंदर से कितने सॉफ्ट बनकर रेडी हो चुके हैं। आप इसे टमाटो केचप के साथ भी सर्व कर सकते हैं। सो गाइस, अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो के नीचे लाइक बटन पर क्लिक करें और साथ ही रेसिपी क्रिएशन हिंदी को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।